पांच निशानियां, वो सिर्फ आपके साथ खेल रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है कि लड़कियों को जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी कॉल्स, उसके टेक्स्ट का इंतज़ार, उसका प्यार जो लड़की को नज़र आता है अंधा कर देता है, जिसके नतीजे में लड़की अपने महबूब के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी गुजारती हैं। इस दौरान अगर वो आपके साथ खेल रहा हो और इसके सबूत भी मिले तो लड़कियां इन सबूतों को झुठला देती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि लड़की जिससे मोहब्बत करती है उसकी हकीकत के वो बंदा ठीक नहीं माँ जानती है, दोस्त जानते हैं, दफ्तर में या पड़ोस में लोग भी जानते हैं कि वो बंदा ठीक नहीं, लेकिन वो आपके लिए एक कायनात की तरह होता है, जहाँ देखें वहाँ तू ही तू की मिसदाक। यहाँ मैं आपके साथ पांच निशानियाँ शेयर करने जा रहा हूँ जो ये चीख चीख कर बोलेंगी कि आप गलत हैं, जो उसकी मोहब्बत में पागल हैं क्योंकि वो आपके साथ खेल रहा है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली निशानी, गैर मुतवक्को मुलाकातें। अगर वो आपको अचानक से किसी प्लान के बारे में बताए कि यहाँ जाना है और आप बिल्कुल तैयार ना हो, या अचानक से अपनी मर्जी से प्लान कैंसिल कर दे, या आपको बताए बगैर वो कहीं चला जाए और कह दे कि अचानक जाना पड़ा, तो इसका मतलब आप उसके लिए अहम नहीं हैं, एक ऑप्शन है। उसे पता है कि वो जब भी आपको कहेगा कि जाना है तो आप ना नहीं करेंगी, तो याद रखें वो आपके साथ खेल रहा है। दूसरी निशानी, अचानक गायब। आपको उसका पूरा टाइम टेबल पता हो कि कहाँ है, क्या कर रहा है, कब आपसे बात करता है, लेकिन अचानक वो दो दिनों के लिए गायब हो जाता है, आपको बताता भी नहीं है कि जाएगा और ना ही माजरत करता है, और ऐसा अक्सर होता रहे और आपके कहने पर उसे ज़रा असर ना हो कि वो गलत है, तो समझ जाए कि वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तीसरी निशानी, हम वर्ड इस्तेमाल ना करें। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बातों के दौरान वो हम वर्ड इस्तेमाल करता है या नहीं। ऐसा ना हो कि जिसे आप अपना समझती हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, वो ऐसा कुछ सोच भी ना रहा हो, लिहाजा ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथी निशानी, आप उसके लिए स्पेशल ना हो। जब आप उसके साथ अकेली हो और वो आपका किसी हद तक ख्याल रखे तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके दोस्तों के साथ हों तो आपको उसमें चेंज नज़र आए, आपको लगे कि वो आपको दोस्तों के बीच वो अहमियत नहीं देता जो अकेले में देता था, तो समझ जाएं कि वो आपको टाइम पास ले रहा है। पांचवी निशानी, वो आपके मुस्तकबिल के ख्वाब ना देखे। जब आप उसके साथ हों और वो आने वाले कल की बात ना करे कि जिसमें आप दोनों एक साथ हों, अगर करे भी तो आपको लगे कि वो आपको खुश कर रहा है। अगर वो आपसे मोहब्बत में होगा तो वो दिल की गहराई से अक्सर ऐसा सोचेगा और आपको कहेगा कि हमारे इतने बच्चे हों, हम ऐसे शादी करेंगे, यहाँ रहेंगे, शादी के बाद यहाँ जाएंगे वगैरह। अगर वो ये बातें आपसे ना करे तो समझ जाए कि वो आपके साथ एक वक्त गुजार रहा है, खेल रहा है आपके साथ। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।